भाई कथा के बारे में पूछा है जो तीनों लोकों को पवित्र करने वाली गंगा के समान है। पार्वती जिनके ध्यान में बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि जिनके ध्यान में मग्न रहते हैं, ऐसे ही अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र प्रभु श्री राम जी है। नाथ धरे और पवित्र स्थान, ये सुंदर सुंदर शैल श्रेणियां, ये गुफाएं, ये सुंदर सुंदर झरने और ये कितने वेग से कलकल करती हुई गंगा अपने आराध्य देव से मिलने के लिए कितनी व्याकुल हो रही। सर बिल्कुल आइए। महाराज की जय हो।
सदगुरु, हमें आपकी आवश्यकता है। कहिए सुरपति राज, क्या आज्ञा मुहे पुत्र है? देवल के सरताज मित्र कामदे माल की तहलीट होगी। देव ऋषि नारद घोर तपस्या में लीन है और उनकी तपस्या के प्रभाव से हमारा इंद्रासन डोलने लगा। हम ये चाहते हैं कि आप रंभा मेनका उर्वशी आदि अप्सराओं को अपने साथ ले जाएं। जगदीश्वर क्षमा, हे जगदीश्वर, मैं तो अपने वरदान के विपरीत ही वर मांग बैठा। मैं तो यह वर मांगना चाहता था कि 6 महीने जागूं और 1 दिन सोऊं। पुत्र विभीषण, 1 बार दिया गया वरदान मिथ्या नहीं हो सकता, इसके लिए तुमको दोबारा से तपस्या करनी होगी। गए विभीषण पास पुनी, कहे ओ पुत्र भर मांगू, तेही मांगू भगवंत पद कमल अमल अनुराग। पुत्र विभीषण, बहुत अच्छा लगा, बहुत क्या कहते हैं, ह्यूमिलिटी के साथ बहुत अच्छा लगा कि राम जन्मभूमि में हम लोग ये रामलीला कर रहे हैं और ये रामायण का जो सबक है कि बुराई पर अच्छाई की जीत और अहंकारी होना, हर अहंकारी को झुकना ही पड़ता है आगे चलकर, ये सारी सीख हम दे पा रहे हैं और सारी दुनिया में ये देखा जा रहा है। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। थैंक यू।